आतंकी हमले में शहीद हुए मेजर आशीष के गांव बिंझौल के ग्रामीण फक्र कर रहे हैं कि आशीष गांव का ही नहीं हरियाणा और देश का नाम ऊंचा कर गया। टोटल न्यूज की गांव बिंझौल के ग्रामीणों से खास बातचीत हुई। पानीपत रोहतक हाईवे पर ये गांव बिंझोल है। बिंझोल गांव काफी बड़ा गांव है और इस गांव का नाम भी है। पानीपत जिले की बात करें, मेजर आशीष अमर रही, ये बिंझोल गांव है जहां पैदा हुआ आशीष, उसके परिवार के लोग, उसके पैतृक गांव है। यहां भी नजारत देखो, दुख की बात तो है ही, मौत होती है, दुख होता है, लेकिन फकर की बात है, आपका बच्चा वो काम कर गया देश के लिए, पूरे देश में नाम हो गया उसका। मैंने अपना बेटा ओडे भेज दिया रो, आज वो काम करकाया, जी दुख भी है रे, खुशी भी है जी, मारा बाले कितना बड़ा काम करका, जी हम बहुत खुश है। देश के ऊपर शहीद हो गए। ये भी सुना, घर वाले कल बता रहे थे कि वो बात बात में कहता था जी, कश्मीर में ऑपरेशन है, मैं घर बाद में आऊंगा, पहले मेरे को यहाँ की चिंता है। ठीक है, आतंकवादियों का बहुत ज्यादा जोर है ना, पहले मेरा देश की फर्ज है, देश की रक्षा करना मेरा, अपने घर वालों को बताता था, वो बता भी रहे थे, ऐसे बच्चों पे नाज करना चाहिए। बिल्कुल, छाती चौड़ी है जी हमारी, उनके लिए बहुत ज्यादा छाती चौड़ी है हमारी, रात से हम ऐसे बैठे हुए हैं उनके उसमें कि भाई हमारा भाई मरा नहीं है, जी गया है, अमर हो गया, देश के ऊपर कुर्बान कर दिया जी उसने, हम हमारी खुशी है जी उस पर। जो जो छोटे छोटे बच्चे सब लोग देख रहे हैं, उनको भी लगता होगा देश में देश प्रेम जाग रहा होगा इनके, हम भी देश के लिए ऐसे कुछ करें। हम थी ठोक कर बोल रहे जी, अमर है हमारा बच्चा, कति अमर है हमारा बच्चा, कति अमर है, अमर है भाई आशीष अमर। ऐसे बच्चे नाम कर जाते हैं परिवार का, अपने प्रदेश का, देश का, बताओ। वो हमारा भाई बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया काम करके गया है, और भगवान करे ऐसे भाई सबके हो। एक और एयर स्ट्राइक चाहते हैं ताकि उग्रवादियों का दमन किया जाए अच्छी तरह से। मतलब इस कुर्बानी का आप चाहते हैं एक और एयर स्ट्राइक को, इसका बदला लेना चाहते हैं। आप बताओ, नौजवान हो आप तो, आपकी उम्र का थोड़ी सा बड़ा होगा आशीष, बहुत बड़ा नाम करके आपके गांव का, हरियाणा का भी, पूरे देश का। हम तो यही कहना चाहेंगे, अगर हर घर में ऐसा जवान बच्चा पैदा हो आगे के लिए, और हमें मौका मिले, चाहे हम आर्मी में है नहीं है, अगर हमें मौका मिले तो हम एक के बदले 10 मारने की कोशिश करेंगे। आप बताओ, जब आशीष पहले कभी गांव में आता होगा, अफसर था आर्मी में, आप उसको मिलने के लिए अपने बच्चों को दिखाते हो, देखो अफसर है, और आज फूल लेके खड़े हो, आज फूल लेके खड़े हो, बताओ। फूल लेके खड़े जी आज। बिंझोल गांव में, बिंझल कहते हैं देसी भाषा में, तो बिंझल गांव में जगह जगह पर हमने देखा, जहां गेट शुरू होता है वहां से थोड़ी थोड़ी दूरी पर लोग अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उस बहादुर को याद कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि हर परिवार में, हर माँ बाप को भगवान ऐसे बच्चे दे जो अपनी कुर्बानी देकर, सर्वोच्च बलिदान देकर देश का नाम कर गया, गांव का नाम कर गया। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ वेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत, बीरू।